हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर के जरिए किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना सिखाएंगे। किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद वो वीडियो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। इस तरह आपके वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बैकग्राउंड म्यूजिक एड करना सिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन टू अवर वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना काइन मास्टर ओपन कर लिया है। नाउ यहाँ से मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक इंस्टाग्राम की वीडियो पे वर्क करूंगा, इसलिए यहाँ से मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इस वीडियो के साइज को थोड़ा कम करता हूँ, इसको ऑलमोस्ट 8 सेकेंड का करता हूँ और एक बार मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहां से हम इस वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे। उसके लिए फर्स्ट आपने यहां से ऑडियो में आना है और यहां से आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहां से एल्बम में आना है। यहां पे मेरे पास कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, इसलिए मैं काइन मास्टर के अंदर से ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूँ। यहाँ से टॉप पे म्यूजिक में आना है और यहाँ पे मैंने 2 म्यूजिक ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आप चाहे तो आप काइन मास्टर से बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं ये सेकंड वाला म्यूजिक ऐड करता हूँ। यहाँ से आपने इस म्यूजिक को अपने बैकग्राउंड में लगाने के लिए यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हमारे वीडियो के नीचे ये म्यूजिक इम्पोर्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपने इसको डन करना है और अगेन मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक लग चुका है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो हमारा मेन वीडियो है उसका वॉल्यूम हमें बहुत कम सुनाई दे रहा है। तो आपने यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे कम करना है, उसके लिए आपने यहाँ से अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से जो हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ से अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिम और स्प्लिट, आपने इसमें जाना है और यहाँ से आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो चुका है और यहाँ से आपने इसको डन करना है। नाउ उसके बाद यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम करेंगे। उसके लिए अगेन आपने यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ये वॉल्यूम का निशान देख सकते हैं, इसमें जाना है। यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको 10 to 15 के रेंज में रखना है। यहाँ से मैं इसको 20 पे रखता हूँ क्योंकि जो हमारा मेन वीडियो है उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। आमतौर पर आपने अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम 10 से 15 के रेंज में रखना है। इस तरह आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके मेन वीडियो में सही तरह लगेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको डन करना है और अगेन मैं यहाँ से इस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह करके आप भी काइन मास्टर के जरिए अपने किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इस तरह के मजीद वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।